जब मैं स्वयं अपने पुत्र के दिव्यता नहीं पहचान सकी तो देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? सर्वथा उचित है आपका कथन देवी, क्योंकि अपने इस रूप में अभी गजानन को स्वयं अपने वास्तविक रूप का परिचय नहीं है, क्योंकि अभी उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही है। तब उन्हें अपने जन्म का प्रयोजन भी ज्ञात हो जाएगा। एक बार वो अपनी मानवीय एवं शारीरिक सीमाओं को भेद देगा, एक बार उसे स्वज्ञान हो जाएगा, तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, सर्वोच्च ईश्वर के स्थान पर स्थापित होगा। इसका अर्थ तो यह है स्वामी कि मैंने व्यर्थ ही देवराज इंद्र को चुनौती दी। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं मेरा पुत्र गजानन देवराज इंद्र को अपना वास्तविक परिचय देगा। माँ, पिताश्री, गजानन तो परब्रह्मी हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो परब्रह्म स्वरूप ही है। मुझे आप सभी की दृष्टि से ओझल हुए इतना समय हो गया और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि मुझे कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा था कि उन गंजी के पास इतने सारे फल थे, अन्यथा भूख के कारण मेरी अवस्था बहुत विकट हो जाती। किंतु माँ, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। चलो पुत्र, भीतर चलो, मैं तुम्हें और दुग्ध देती। नहीं माँ, अब दुग्ध नहीं, अब मुझे भोजन चाहिए, जैसा भैया को प्राप्त होता है वैसा भोजन। अरे, हमारे पुत्र गजानन को अभी तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं मामा जी। देवी पार्वती, ये तो सर्वथा अनुचित, उसे अवश्य भोजन मिलना चाहिए। किंतु भ्राता श्री हरि नारायण, मैं उसे अभी अन्न कैसे दे सकती हूँ? उसका अन्नप्राशन। प्रिय, स्वयं अन्नपूर्णा हैं आप, गजानन की माता हैं, इसलिए आपको स्वयं गजानन का अन्नप्राशन करवाना चाहिए। आहा, मेरा अन्नप्राशन! इससे शुभ भला और क्या हो सकता है? देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं ब्रह्मदेव और विष्णु देव की उपस्थिति में यदि आपके हाथों से गजानन का अन्नप्राशन किसी भी दिव्य उत्सव से किसी भी रूप में कम नहीं है। उचित है नाथ, मैं स्वयं अपने पुत्र गजानन का अन्न प्राशन करूंगी और अन्न प्राशन के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसकी शिक्षा प्रारंभ करूंगी। सारे व्यंजन आज तो सब खाऊंगा। अब हम गजानन का अन्न प्राशन संस्कार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हम सभी के आदरणीय गजानन के नाना महाराज हिमवान उसको भोजन का प्रथम निवाला देंगे। रुकिए।
उमा क्या हुआ? गजानन का अन्न प्राशन प्रारंभ होने के पूर्व ही तुमने उसे रोक दिया? स्वामी, 56 भोग व्यंजनों से सज्जित है ये थाल, किंतु इसे देखकर पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है मुझे। कुछ तो अवश्य अभी भी शेष है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु शेष है? अब क्या शेष है पुत्री? अब तो बस गजानन का अन्नप्राशन ही शेष है। कुछ शेष नहीं माँ मेरे उदर में, बस मेरे द्वारा इन स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना ही शेष है। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो उचित है उसी का होना अनिवार्य है। मेरे पुत्र के अन्न प्राशन का प्रथम आहार ये 56 व्यंजन नहीं, कुछ और हो। कुछ और होगा? क्योंकि जो विशेष है अभी वही शेष है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी वो विशेष व्यंजन लेकर आती हूँ। पुत्र गजानन, प्रतीक्षा तो तुम्हें भी करनी होगी, पर प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ विशेष व्यंजन लाने गई। हाँ मामा जी, कठिन तो है किंतु मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। सुना भैया, माँ मेरे लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है। महाकाय बुद्धि के नरेश, सिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। पार्वती माता भी आज गई जान, पुत्र उनका अद्भुत विशेष महान, बालक हो ऐसा जब असाधारण, प्राशन उसका हो क्यों साधारण, व्यंजन विशेष कोई मा कर निर्मित, बालक सुख सोच सोच के हर्षित, व्यंजन का थाल सबका खींचे है ध्यान, उसमें क्या लाई माता किसको है ज्ञान। कितना सुंदर है ये, अवश्य बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री ये क्या व्यंजन है और इसमें क्या विशेष है? आटे से बना हुआ साधारण मिष्ठान ही तो प्रतीत हो रहा है ये। नहीं नानी जी, ऐसा मत बोलिए, माँ ने मेरे लिए बनाया है तो असाधारण ही होगा ये मिष्ठान, है ना माँ? वैसे इसको बोलते क्या है माँ? मोदक। मोदक? जो अपनी विशेषता से सबको मोद अर्थात आनंद प्रदान करेगा। पुत्र, माता उचित कहती है, दिखाई देने में तो साधारण ही है ये, किंतु उचित तो तुम्हारा भी कथन है पुत्र, क्योंकि ये मोदक भीतर से अत्यंत असाधारण है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु समझ नहीं आया, भीतर से असाधारण? जैसे तुम हो,
जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ वैसा ही है ये मोदक। आप मुझे मोदक जैसा बनाना चाहती हैं माँ, किंतु उसे खाए बिना, उसके स्वाद को जाने बिना मैं उसके समान कैसे बन सकता हूँ? माँ, मैं ये मोदक खा लूँ ना? अवश्य पुत्र, गजानन का अन्न प्राशन मोदक से ही प्रारंभ होगा। सत्य कहा था माँ आपने, जितना भीतर जाओ इसका असाधारण स्वाद तो बढ़ता ही जाता है। इतनी मिठास, ऐसा स्वाद छिपा है इसके भीतर जिसका अनुमान इसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। हाँ पुत्र, जैसे मोदक को देखकर कोई नहीं जान सकता कि उसमें कितनी मिठास है, वैसे ही हम सबके भीतर परमात्मा रूपी सुंदर सत्य का वास है, किंतु मोह माया में लिप्त होने के कारण हम उसकी सुंदरता उनको नहीं जान पाते। उनका परिचय तो मोह माया त्याग कर ही प्राप्त होता है, समझे? हाँ माँ। माँ, आप गजानन की नानी हैं, इसीलिए अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। माँ, बहुत स्वादिष्ट है मोदक। किंतु माँ, ये मोह माया क्या होता है जिसे त्यागना इतना आवश्यक है? हाँ माँ, और इस मोह माया से छुटकारा पाने का उपाय भी बताइए ना। हाँ पुत्र, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, अच्छे कर्म से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, यही तो जीवन का परम उद्देश्य है। किंतु सांसारिक सुखों की लालसा, निज स्वार्थ और इच्छाओं के माया जाल से भ्रमित होकर सभी जीव उन परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। तो फिर इस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए माँ? पुत्र, सत्य की साधना, माया को भेदने वालों की समस्त शक्तियाँ और कुंडलिनियाँ जागृत हो उठती हैं और उन्हें अपने भीतर बसी परमात्मा की शक्ति और उनकी सुंदरता से परिचय कराती हैं। वैसे ही पुत्र, जैसे मोदक के भीतर का स्वाद लेने पर ही इसकी वास्तविक मिठास का आनंद प्राप्त होता है। स्वामी, अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। पुत्र, अनेकों मिथ्या आकर्षण है संसार में जो पल पल पर प्रस्तुत होकर हमें भ्रमित करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, मन भावन सुगंध, प्रिय शब्द, सुंदर दृश्य, कोमल स्पर्श अर्थात पांचों इंद्रियाएं इच्छाओं का रूप लेती हैं और इच्छाएं छह विकारों को जन्म देकर हमें भटकाती हैं। उन्हें वश में रखकर ही अंतर की गहराई में छिपी अपने विशेषताओं को सुंदरतम रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने अवगुणों को दूर करना, बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, गुणों को निखारना, परमात्मा से मिलन के अपने परम उद्देश्य पर स्थिर रहना, अपने भीतर छिपी सुंदरता से
संपूर्ण जगत को आनंदित करना। जीवन के इसी परम ज्ञान का प्रतीक है ये मोदक। अन्नपूर्णा, अब आप भी तो अपने हाथों से अपने पुत्र को मोदक खिलाएं। लो पुत्र। देवी पार्वती, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक मोदक की आकृति भी कितनी विशेष है ना। हाँ देवी लक्ष्मी, मोदक का आकार तो महाशून्य के ही समान है। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये महाशून्य क्या होता है? महाशून्य तो अनंत है, अपने आप में ही संपूर्ण है। समस्त जगत और सभी जीवों का जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाता है, अर्थात ये तो प्रणव मंत्र ओमकार का ही प्रतीक है। इसीलिए पुत्र, जो मोदक के वास्तविक अर्थ को जान जाता है वो संसार के दुख सुख से परे रहता है। सांसारिक माया जाल से भ्रमित ना होकर परमात्मा से स्वयं को जोड़कर पूर्णता को प्राप्त करता है ना माँ? बालक का बाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। अरे अरे पुत्र, ये लीजिए भैया। माता, ये मोदक का ही प्रभाव है, जो गजानन अपना भोजन मुझसे बांटना सीख गया। माँ, मैं समझ गया हूँ, कोई कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे, यदि वो अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय पाकर अपने गुणों को निखार ले तो वो असाधारण हो जाता है। आपके द्वारा बनाए इस विशेष मोदक से संपूर्ण संसार यही सीख प्राप्त करेगा और आज से मोदक सदैव मुझे अत्यंत प्रिय होगा। पुत्र गजानन, अब तुम्हारा अन्न प्राशन पूर्ण हुआ, अब तुम मन भर कर भोजन कर सकते हो। आज तो मन भर कर भोजन करूंगा। स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया और मेरा उदर भी भर गया। आपकी अनुमति हो तो मैं निद्रा करने जाऊं? हाँ पुत्र, अपनी नानी माँ के साथ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। आज विश्राम कर लो पुत्र, क्योंकि कल से तुम्हें श्रम जो करना होगा, कठोर तप कर शक्ति और दिव्यता की साधना करनी होगी।
देवराज इंद्र। प्रणाम महादेव। क्या है आपकी चिंता का कारण? दक्षिण क्षेत्र में उन असुरों का आतंक छाया प्रभु। हम देवताओं के धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः हमें देव सेनापति कार्तिकेय की आवश्यकता है। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। कार्तिकेय का यहां से जाना देवी पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करेंगी। गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है, अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातःकाल उठकर स्नान कर, पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा, माता मार्ग तो समाप्त हो गया, तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। माँ, हम तप के लिए भवन से इतनी दूर इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? इसीलिए पुत्र, क्योंकि इस निर्जन और शांत स्थल पर तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा और तुम अपने तप पर स्थिर रहोगे। माँ
किंतु माँ, ये पंचाग्नि तप क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान। हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक। प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत। हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि। सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना, और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत कुंडलिनी। वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी, और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा, और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाए। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है, और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है, मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म, उसका दायित्व, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु,
मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है प्रभु। इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तो तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्रण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सजनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहां या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता, पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहां दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे? आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगे? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। तुम जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्व समर्थ होकर अपनी ही नहीं संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। क्या हुआ जया? इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ
क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन, देखो ना कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्ही पर तो निछावर करेंगी, फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्ही को तो प्राप्त होगा, तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे, अरे रुको गजानन, गजानन क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बोलूंगी किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? क्या हुआ गजान, तुम दौड़ क्यों रहे थे, मुझे क्यों रोका? सब सकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो, कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन, ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। अपना ध्यान रखना गजान, और माता का भी ध्यान रखना, अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया। अब मुझे जाना होगा गजान, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो। अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया।
किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है, पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी। किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए, माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। सुंदर तितली है, अरे अरे रुको तितली, विश्राम कर रही हो तुम, अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। तितली नहीं, कोई असुर है।